जिनके हाथों में खतियान, बस यही है हमारी झारखंडी की निशान। और जो खतियान, जिसके पास भी खतियान है, खतियान लाओ, नौकरी पाओ के आधार पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग में यहाँ पर नौकरियां सुनिश्चित की जानी चाहिए 100%। कोई 1-2% इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो है हमारा झारखंड जो बना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे झारखंडियों के लिए बना है, ना कि किसी बाहरियों के लिए बना है। अगर हमारे आज के समय में भी इन 21 सालों में जो हमारा जो दौर गुजर गया, इन 21 सालों में हमारे कितने बच्चों को आज रोजगार मिल जाता, वो आज इस रोजगार से हट गए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं कम से कम उन्हें रोजगार मिले, इसका एक प्रयास चल रहा है। और ऐसी यहाँ पर जो सरकार है, जो जिस एजेंडे के साथ में यहाँ पर बैठी हुई है, हेमंत जी की सरकार, जो कि माटी पुत्र कहे जाते हैं, आज हम भी उनके साथ थे, लेकिन एक बड़े भाई को मैंने खोया है, उन्होंने एक छोटे भाई को खोया है। आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति बनी रही तो झारखंड के तमाम लोगों को वो खो देंगे, और ये दूर दूर नहीं है अगर सही समय तक वो चेत नहीं जाए तो। अच्छा, ये बाबूलाल मरांडी ने बड़ा एक कमाल की बात कही। बाबूलाल मरांडी ने झारखंडियों से अपील करते हुए कहा, झारखंडियों से अपील करते हुए कहा कि वो जब भी अपने घर से बाहर निकले तो अपने घर में एक आदमी को छोड़ के आए, नहीं तो जेएमएम का कोई भी गुंडा जो है घर में घुसेगा और 1932 का खतियान मांग बैठेगा। ये बाबूलाल मरांडी के हैं। बाबूलाल जी तो बाबूलाल जी हैं, यही बाबूलाल जी है कि जो पहले कभी कहे थे कि खतियान के आधार पर हम यहाँ के नौकरी देंगे, और साथ साथ हम उस पार्टी में कभी नहीं जाएंगे जहाँ जिस पार्टी से हम निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी, उससे बेहतर कहीं ये होगा कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएं। लेकिन ये तो गजब के व्यक्ति हैं, कुतुब मीनार से कूद भी गए हैं और आज सुरक्षित हैं, लेकिन ये झारखंडी जनता उनको सुरक्षित रहने नहीं देगी। अच्छा, और ये भाषा को लेके कल बन्ना गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रभाषा के लिए हमें इस्तीफा देना पड़े तो हम इस्तीफा देंगे, लेकिन राष्ट्रभाषा की लड़ाई लड़ेंगे। इस्तीफा देकर आप बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, यहाँ पर जनजातीय भाषा, यहाँ पर 5-4 क्षेत्रीय भाषा है, इसके सिवा कोई दूसरा भाषा कबूल नहीं। और ये सर भाषा का जो जहर इन लोगों ने बोया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को कहें, चाहे आजसू पार्टी को कहें, या फिर राजद को कहें, या फिर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को कह लें, ये भाषा का जो विवाद इन लोगों ने बो रखा है, हमारे यहाँ जहर का काम कर रहा है, आपसी भाईचारगी को मिटाने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है जिसके हाथों में होगा खतियान, नौकरी बस उसको ही मिलनी चाहिए, तृतीय और चतुर्थ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।